एवरीवन, आज हम आपके लिए पील फेशियल मसाज लेकर आए हैं। यानी कि हमने जितने भी स्टेप कर रखे हैं वो हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है हमारे चैनल पर। आप वहां पर जाकर उसकी सारी नॉलेज ले लीजिए कि किस तरीके से वीडियो की स्टार्ट हुई है, पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है, और आज हम इसको मसाज देंगे। तो मसाज देने से पहले आप ये लुक देख लीजिए, हमारा पार्टी लुक है। अगर आप इस तरीके का लुक जानना चाहते हैं कि हमने किस से, किस प्रोडक्ट से और किस तरीके से, कैसे स्किन टोन पर ये लुक क्रिएट किया है, तो हम आपको इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। तो इस वीडियो में आप मसाज के सारे ही स्टेप देखेंगे। ये प्रोफेशनल मसाज के स्टेप हैं, स्किन के अकॉर्डिंग हैं। यानी कि अगर आपकी स्किन डल हो रही है, आपकी स्किन जो है लूज़ हो रही है, आपके जो है स्किन पर शाइन नहीं है, आपका ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव तो होता ही है, ये तो जो है मसाज का एक बहुत पुराना एक मतलब बात है, ये ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव करती है। लेकिन ये जो पॉइंट्स हम बताते हैं, प्रेसिंग पॉइंट्स हैं, कितने प्रेशर से देना है, क्या देना है, इस सब के बारे में ही हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप चिक्की कैसे देंगे, चिनकी कैसे देंगे, हेड की कैसे देंगे सारे ही। तो वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई है, इसको मैंने थोड़ा सा जो है फॉरवर्ड भी किया है, उसके बावजूद ये इतनी लंबी हुई है। तो मैं आपसे कहती हूँ आप वीडियो पर बने रहिए, और मेरा चैनल जुजिया एसपीसी मेकअप एंड बुटीक है, उसको सब्सक्राइब करिए। आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुजिया एसपीसी मेकअप एंड बुटीक है, वहाँ पर भी मैं अपलोड करती हूँ। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सर्दियों का रूटीन लाने वाली हूँ कि किस तरीके से आप सर्दियों में अपनी स्किन को अच्छा सा ट्रीट कर सकते हैं, जो आपकी स्किन पर डलनेस हो जाती है। और जो कहते हैं कि नहीं सर्दियों में टैनिंग नहीं होती है, तो टैनिंग काफ़ी होती है, मैं आपको ये बता दूं। उसके बारे में भी मैं आपको पैक वगैरह सारे ही बताऊंगी। तो आप ज़रूर ज़रूर वीडियो पर बने रहिए और हर वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो क्रीम मसाज से हमने स्टेप तो देना स्टार्ट कर दिए थे। सबसे पहले हमने फोरहेड से स्टार्ट किया था, और वहाँ पर 2 से 3 बार या आप 4 बार रिपीट करिए। इसी तरीके से सेकंड साइड पर भी करेंगे। और अब आप ये देखिए, ये जो प्रेशर दिया जा रहा है, इसको जब देते हैं तो बहुत ही रिलैक्स फील होता है, बट इसके प्रेशर का बहुत ध्यान रखा जाता है। आप जब बिगनर्स हैं तो बिगनर्स के अकॉर्डिंग जब हम प्रेशर देंगे तो उसके लेवल पे नहीं होगा। आप बहुत हल्के हल्के, अगर कोई ऐसी चीज़ है घर में तो पहले उस पर प्रैक्टिस करिए, मतलब हाथ को सेट करिए, उसके बाद आप फेस पर करिए। किसी के आप अपने खुद पर कर सकते हैं कि कितना प्रेशर देना है, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। कोई अगर आपके पास में डमी है, कोई डॉल है अगर, तो उसके फेस पर आप अपने फिंगर को सेट कर सकते हैं, और ये स्टेप तो आसानी से आपका हो जाएगा सेट होने पर। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट भी मैं आपको बता दूं, जब हम ये अपनी स्किन को इधर से लाकर ऊपर तक लेकर जाते हैं तो क्या होता है, स्किन हमारी जो भी लूज़ मसल्स होती हैं ना, तो वो हम वहाँ का जो सर्कुलेशन होता है वो अच्छे से सर्कुलेट होता है। इसको थोड़ा सा मैं मतलब फास्ट कर दिया है, मैंने फर्स्ट में आपने देख लिया है, लॉन्ग हो गई है वीडियो, इसलिए जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, इस तरीके से आप ऊपर तक लेकर जाएंगे। यहाँ हमारे कुछ प्रेशर यहाँ पर दिए जाते हैं जो रिलैक्सेशन के लिए होते हैं। जब हमारा माइंड रिलैक्स होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे फेस पर ग्लो आता है। इसलिए वैसे तो ये अभी इनको कुछ वर्क था, इसलिए इनका फ़ोन आया था, इन्हें रिसीव करना पड़ा। बट जब भी आप कोई फेशियल स्टेप देंगे तो बिल्कुल लाइट ऑफ कर देंगे, मतलब इतनी लाइट कि आप बहुत हल्का हल्का सा लाइट होती है उसमें आप करेंगे, और जब स्टेप को मतलब कोई भी बात आप नहीं सोचेंगे, बिल्कुल रिलैक्स मूड में जाकर, बिल्कुल आप कोई फैमिली की कोई बात नहीं होना चाहिए, आपके माइंड में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं होना चाहिए जिससे आपका रिलैक्सेशन डिस्टर्ब हो, ठीक है। इसलिए आप मतलब बिल्कुल भी उस टाइम पर नहीं सोचेंगे। अब
क्या ये आईज का स्टेप दिया जा रहा है। आईज का स्टेप आप देख लीजिए, जो हमारी आई की स्किन होती है ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनकी एज थोड़ी बढ़ जाती है या फिर किसी की आईज जो है, मतलब खुद मोबाइल वगैरह आजकल ज़्यादा चलाए जाते हैं तो आईज वैगी सी हो जाती है, मतलब फुली फुली स्किन हो जाती है, डार्क सर्कल आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम आईज की स्किन को लिफ्ट भी करते हैं, लिफ्ट भी कराते हैं और वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा कराते हैं और एक तरीके से आईज लिफ्टिंग का ये काम करता है स्टेप। तो आप आराम आराम से लेकर जाएंगे, बहुत स्लोली स्लोली, मतलब प्रेशर उतना देना है, ना ज़्यादा तेज़ हो और ना ज़्यादा हल्का हो, इतना भी हल्का नहीं देना है कि मतलब बिल्कुल पता ही ना चले। तो उस तरीके से आप आईज का स्टेप देंगे। आपको हर स्टेप 3 से 4 बार देना है और ये आप जो देख रहे हैं ये रिलैक्सिंग पॉइंट है, प्रेशर पॉइंट इसे बोलते हैं, ये हमारी कनपटी जिसको बोलते हैं, वहाँ पर आप हल्के इसको मसाज देंगे। यहाँ पर प्रेशर का काफ़ी ध्यान रखना होता है क्योंकि अगर इसको टाइटली आप प्रेशर दे देंगे ना थोड़ा सा, तो फिर आपका सर दर्द या हेडेक भी बना रह सकता है। तो आप इसको बहुत ही आराम से करें, पहले अपने आप पर आप अपने हाथ को सेट करेंगे, तब जाकर आप किसी दूसरे के फेशियल करेंगे। अगर आप किसी के घर में करते हैं तो पहले आप घर में करें, और अपने खुद के पार्लर के लिए अगर आप स्टार्ट करेंगे तो पहले उसको अच्छे से सेट करने के बाद हैंड को तब स्टार्ट करें। देखिए फ्रेंड्स, मेरा तो यही मानना है कि जितनी भी फीमेल्स हैं, और अगर मेल्स भी देख रहे हैं और अगर वो इन स्टेप को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो ज़रूर सीखिए, आप ज़रूर सीखिए। ख़ासतौर से फीमेल के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप इस तरीके का काम जानती हैं तो आप अपने घर से भी इस काम को स्टार्ट कर सकती हैं। तो आई होप मेरी बात आप समझ रही होंगी। मैं ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि आप अच्छे से इन सब चीज़ों को सीखें, और जितनी भी नॉलेज मुझे है मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश कर रही हूँ कि मतलब जो है आपको उसको जाने। और अगर आपको किसी तरीके का कोई क्वेश्चन करना हो या फिर आप और वीडियो अगर जानना चाहती हैं तो आप ज़रूर मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ओके, तो आप ये जो देखिए, ये अंडर आई के नीचे ये स्टेप दिया जाता है, बहुत आराम से ये स्टेप देंगे। जो हमने इससे पहले चिक्की मसाज दी थी तो आपको उसको भी बहुत आराम से देना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइटली हाथ से करेंगे ना तो ये भी हो सकता है कि आपके फेस पर स्वेलिंग आ जाए। तो इसलिए आप बहुत अच्छे से मसाज देंगे बट इतना भी प्रेशर नहीं देंगे कि स्वेलिंग ही आ जाए फेस पर। ओके, वैसे तो मार्केट में मसाजर भी अवेलेबल हैं, फेस मसाजर काफ़ी आ गए हैं और काफ़ी एडवांस ट्रीटमेंट भी आ गई है फेशियल के लिए, लेकिन अभी हम उन ट्रीटमेंट पर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, सबसे अच्छी मसाज होती है हैंड मसाज, क्योंकि हमारा कुदरती हीट हमें अपने हाथों में मिली होती है जो हमारी स्किन के लिए सेफ भी होता है। देखिए, कोई भी अगर केमिकल करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई भी ऐसे नए टूल का हम इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़रूर ज़रूर ही हमारी स्किन पर कहीं ना कहीं जाकर साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है, ये मेरा मानना है। मुझे नहीं पता कि आप लोग इस बात से एग्री हैं या नहीं है, लेकिन हैंड की जो मसाज होती है ये कुदरती तौर पर और हमेशा से होती आई है और इसके बेनिफिट भी बहुत अच्छे हैं। आप जितनी भी स्पीड से चाहते हैं कर सकते हैं ताकि सामने वाले को भी टच उसका अच्छा महसूस होता है। ये हम फोरहेड की जो पॉइंट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। फोरहेड का क्या होता है, फोरहेड पे रिंकल आ जाते हैं, ठीक है, लाइन्स आपने देखी होंगी, स्ट्रेस से ज़्यादातर हो जाता है, तो इसको हम उस तरीके से देंगे। और अगर हम नेक की थोड़ा कंफर्टेबल होती तो हम नेक की भी आपको बताते, लेकिन नेक की हम नहीं बता पाए क्योंकि ये कंफर्टेबल नहीं थी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जब हम मसाज करते हैं तो किसी क्लाइंट की या फिर किसी की स्किन इतनी ड्राई होती है कि पपड़ी सी छूटती है उसमें, तो उसके लिए आप एक क्रीम मधुगंधा है उससे मसाज देंगे।
वो ख़ास तौर से स्पेशली ऐसी ही स्किन के लिए बनी होती है जो मतलब जिसकी पपड़ी वगैरह निकलती हैं, तो ऐसे स्किन पर ही इसका मसाज देंगे। ख़ास तौर से सर्दियों में तो ऐसे स्किन वालों के लिए बहुत बेनिफिट है। अब आप ये देखिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मतलब मसाज दी गई है, और फोरहेड पर ऊपर की साइड ले जाएंगे, फिर माउथ की साइड ले जाएंगे, और फिर नेक पर भी ऐसे स्टेप देंगे। अगर थोड़ा और डीप होता तो आप और डीप दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपका रियल क्लाइंट आपके पास में आता है या आप किसी के ऐसे करते हैं तो आप इनको दीजिए, और जो क्लाइंट कंफर्टेबल हो उनको आप दे सकते हैं, जो नहीं है उनको आप स्किप करिए ऐसे मसाज को देना। अच्छा, नेक की मसाज का क्या होता है कि आपका जो बैक के जितने भी पॉइंट होते हैं, अगर आप बैक पर मसाज थोड़ी नीचे तक देते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। अगर ये ज़्यादा वो नहीं होता, मतलब ये करवाते तो हम आपको ये बताते, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जब हम फेशियल की लाएंगे मसाज की, तो हम आपको कवर कराएंगे ये बैक के स्टेप किस तरीके से दिए जाते हैं। एक चीज़ ये है कि हमने फेशियल के बारे में आपको पहले बता दिया है कि कौन सी स्किन पर किस तरीके का फेशियल लेना है, वो आप जाकर पील फेशियल में सर्च करिए, उसमें मैंने फेशियल की डिटेल दी है, स्किन के बारे में भी बताया है, तो आप वहाँ से ये नॉलेज ले सकती हैं, जो भी आप देख रहे हैं, जो भी लेना चाहे। वैसे मैं एक चीज़ बता दूँ कि सेंसिटिव स्किन पर आप O3 का रेडियल फेशियल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी बहुत नॉर्मल स्किन है तो नॉर्मल पर तो आप कर सकते हैं, लेकिन सेंसिटिव स्किन पर थोड़े फेशियल देखे जाते हैं, क्योंकि सेंसिटिव तो थोड़े अलग तरीके से ही उसके फेशियल होते हैं। वैसे तो हर एक स्किन के अकॉर्डिंग ही फेशियल आता है, लेकिन सेंसिटिव स्किन को थोड़ा सा देखा जाता है, क्योंकि उनकी स्किन पर जल्दी ही इफ़ेक्ट हो जाता है चीज़ों का, इसलिए। अच्छा, रही बात मेल के स्किन की, मेल के जो बियर्ड होती हैं, आप जब स्क्रब करते हैं तो नॉर्मली मेल की 90% स्किन जो होती है ऑयली होती है, ठीक है। तो आप जब मसाज करते हैं उस पर, स्क्रब से मसाज जब आप देंगे, तो आप उनके बियर्ड पे तो नहीं लगाएंगे, और उनकी स्किन के अकॉर्डिंग भी जो फेशियल आते हैं आप उनको वही देंगे, ठीक है। तो मतलब काफ़ी इसमें मैंने नॉलेज दे दी है, आई होप आपको ये नॉलेज से काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आपको और वीडियो के बारे में जानना है या और कोई पॉइंट जानना है, तो मैं आगे आने वाली वीडियो में पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वो पॉइंट आपके क्लियर कर सकूँ, आपके क्वेश्चन क्लियर कर सकूँ। अच्छा, कम्पिंग की जो मैं बता रही थी, आई कम्पिंग, तो अब ये स्टेप हमारा आई कम्पिंग का होगा। ये तो प्रेशर है जो हमारी लव लाइन की तरफ होते हैं, तो उस पर ये प्रेशर दिया जाता है, ये आई कम्पिंग का स्टेप है। आई होप आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, क्योंकि हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है कि अगर इंसान, मतलब कोई भी अगर है ऐसा क्लाइंट कि अपना फेस पूरा क्लियर दिखाना चाहता है, तो हम उसका डाल देते हैं, वरना फिर हम इसी तरीके से करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पर ज़रूर आइएगा।